हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे ये देखिए ये मिंट पुदीने के बारे में बात करूंगी, पुदीने के पौधे के बारे में। गर्मी का मौसम है और ये इसका ग्रोइंग सीजन भी है, और इस मौसम में आपको हर चीज़ में अच्छा लगता है, शिकंजी में अच्छा लगता है, कोई भी आप ड्रिंक बनाते हैं रिफ्रेशिंग उसमें ये डला हुआ अच्छा लगता है, मोइतो बनाते हैं उसमें बहुत अच्छा लगता है ये। और मिंट आप वैसे भी रोज़ आपकी पानी की जो बॉटल है उसमें डाल दें तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, और बहुत अच्छा हर्ब है ये। तो इसको इसका ये मौसम है तो आज हम इस पर बात करते हैं। तो जो पुदीना होता है इसको बीज से भी उगाया जा सकता है, बीज से आपको उगाना हो तो फरवरी वगैरह में, फरवरी मार्च में अभी भी उगा सकते हैं, लेकिन मैं बीज से उगाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसको उगाने का इजीएस्ट वे जो है, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई हुई है, सबसे इजीएस्ट वे रहता है कि इसकी कटिंग लेके आप लगा लें, और कटिंग में रूटिंग इसकी बहुत जल्दी हो जाती है, और कटिंग्स इसकी जैसे बाजार से जो पुदीना आता है हमारा उसमें भी उसकी भी कटिंग्स लगा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा रूटिंग हार्मोन लगा के या फिर दालचीनी का पाउडर लगा के इसकी कटिंग्स में, और इसको आप लगा दें, लगाएं जिसमें वो मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। पुदीने को वेल ड्रेन्ड मिट्टी में लगाना चाहिए, एक हिस्सा मिट्टी, उसमें एक हिस्सा आप बजरी मिला, सैंड मिला लें, रिवर सैंड, और एक हिस्सा फिर उसमें कंपोस्ट मिला लें, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट कुछ भी मिला लें। इसमें कंपोस्ट अच्छी क्वांटिटी में लें, वैसे ये बहुत ज़्यादा हैवी फीडर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी इसमें कंपोस्ट थोड़ा सा एक हिस्से से सवा हिस्सा भी ले सकते हैं, क्योंकि वो कंपोस्ट जो है वो थोड़ा सा मॉइस्चर को पकड़ के रखती है, रिटेन करती है मॉइस्चर को, और वो मॉइस्चर इसको पसंद है। पुदीना जो है वो काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारा पुदीना लगता नहीं है और ख़राब हो जाता है पुदीना, तो पुदीने का जो मेन इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये रहती है कि इसको हमेशा मॉइस्चर चाहिए, इसकी मिट्टी में मॉइस्चर चाहिए, लेकिन खड़ा पानी नहीं चाहिए, मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए लेकिन सॉगी नहीं रहनी चाहिए। इसका मतलब है कि इसकी जो मिट्टी है वेल ड्रेन्ड हो, आप पानी डालें और पानी एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और मिट्टी बिल्कुल बस थोड़ी थोड़ी मॉइस्ट रहे, ऐसा इसको चाहिए। मिट्टी इसकी सूखनी नहीं चाहिए, दो वाटरिंग के बीच में जैसे हम कई प्लांट्स में बात करते हैं कि मिट्टी सूख जानी चाहिए, पुदीने की मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए और ज़्यादा गीली भी नहीं रहनी चाहिए। तो ज़्यादा गीली रहने से क्या होता है कि इसकी जड़ें गलने लग जाती हैं, जड़ें बड़ी शैलो होती हैं पुदीने की, ऊपर ऊपर इतनी सी मिट्टी में होती हैं, तो शैलो होती हैं, तो ये मिट्टी अगर सूखती है थोड़ी सी भी तो इसकी बहुत ज़्यादा वो सूखने वाली, तो मैंने बात बता दी, पानी जब ज़्यादा इसमें रहता है सौगी हो जाती है मिट्टी इसकी, तो जड़ें सड़ जाती हैं, फंगस लग जाती है उसमें, जड़ें सड़ने लग जाती हैं, उसके बाद सारी पत्तियाँ ब्राउन हो के और आपका पुदीना मर जाता है। कई बार आप देखना, आप गमले में छोटे से में लगाते हो, पुदीना बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन अचानक वो आप पानी शौक शौक में खूब देते हो और उसको फंगस लग के ब्राउन ब्राउन होके पत्तियां सारी उसकी झड़ के गिर जाती हैं और आपका पौधा मर जाता है। तो इसको पानी ज़्यादा भी नहीं चाहिए और कम पानी देंगे तो भी आपका पौधा मर जाएगा। वैसे अगर इजी टू ग्रो प्लांट है ये, बहुत इजीली उग जाता है, बस थोड़ा सा इसका आपको ध्यान रखना पड़ता है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और जैसे गर्मियाँ हैं तो इसमें ऊपर की जो लेयर है ना वो अच्छी तरह से वर्मी कंपोस्ट डाल दें, ताकि वो इसकी जो मिट्टी में मॉइस्चर को, जैसे ये है यहाँ पे इतनी इतनी लेयर ऊपर वर्मी कंपोस्ट की डाल दें, तो वो क्या है कि उसकी अंदर मॉइस्चर को पकड़ के रखता है, मिट्टी के मॉइस्चर को उड़ने नहीं देता और साथ में न्यूट्रिशन भी देता रहता है। तो और आजकल तो देखिए पुदीने की डंडी भी लगाना ठीक रहता है, लेकिन आजकल नर्सरी से लाना बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके पास नर्सरी में या किसी के यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, बाजार में कई बार अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता, वो हम जब लाते हैं बड़ा बासी होता है, कई दिन पुराना भी होता है, अगर किसी के यहाँ लगा हुआ है तो आप डंडियाँ ला के लगा लें, और नहीं तो बाजार से भी, जैसे मैं एक ये छोटा सा गमला, मतलब छोटा सा इतना सा थैली में लगा हुआ लाई थी पुदीना, और ये अच्छी क्वालिटी का लग रहा था मुझे, मतलब अच्छी क्वालिटी का है, और वो मैं लाई थी और उससे मैंने ये लगा लिया, और अब थोड़ा सा बैकयार्ड में मैं क्यारी में भी लगा लूँ। और हाँ, जब आप इसको क्यारी में लगाएं फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा किसी जैसे ऐसे किसी कंटेनर में या टूटा हुआ आपका कोई डिब्बा वगैरह होता है उसमें लगा के फिर ज़मीन में गाड़ें,
उससे ये फायदा रहता है कि ये पूरी क्यारी में नहीं फैलता, क्योंकि अगर फैलने लग जाए तो बहुत बुरी तरह से सारी क्यारी में फैल जाता है और बाकी पौधों के बीच में भी ऐसे घुसने लग जाती हैं इसकी जड़ें, बहुत विग्रसली फैलता है ये। इसके रनर्स जो होते हैं ना जमीन के नीचे नीचे, इसके जो स्टेम ऐसे फैलते हैं जमीन के नीचे नीचे, इसके ऐसे हॉरिजॉन्टल स्टेम फैलते हैं तो वो बड़ी तेजी से फैलते हैं। देखिए इसमें भी वो स्टेम्स फैलते जाते हैं और देखिए नए पौधे उसमें से, ये हॉरिजॉन्टल स्टेम है ये देखिए, ये फैल रहा है और उसमें से जगह जगह से ये देखिए नए पौधे निकल रहे हैं। ये देखिए ऊपर की तरफ ये एक नीचे एक तार जैसे एक हॉरिजॉन्टल एक ऐसे स्टेम फैल रहा है और उसी स्टेम से ये देखिए जगह जगह से ये निकल रहे हैं ये और ये ऐसे ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे। यहाँ पे भी ये देखिए आपको ये ऊपर ही दिख रहा है, वैसे ये जमीन के नीचे चलता है, ये देखिए ये ऊपर भी चलता है, ये रनर ऐसे चल रहा है और इसमें से यूं ऊपर की तरफ ये ऐसे ऐसे पौधे निकलते जाते हैं तो बड़ी तेजी से बढ़ता है ये। और इसको जो है लगातार इसके पौधा जो है वो ज़्यादा देर तक जिंदा रहे, वैसे तो ये पेरिनियल है लेकिन सर्दी में क्या होता है ये थोड़ा सा बिल्कुल मर सा जाता है। आप उस गमले को अलग से रख दीजिए जिसमें लगा हुआ है और बरसात के बाद जब सर्दियां जाएंगी फरवरी आएगी तो ये फिर से स्प्राउट करने लग जाता है, पानी वगैरह थोड़ा थोड़ा इसको देते रहें। सर्दी में इसको थोड़ा सा आप ना कवर्ड वाली जगह में रख दें, ठंड बर्दाश्त नहीं करता ये, खुले आसमान की ठंड जो होती है अगर ज़्यादा पड़े तो उसको बर्दाश्त नहीं करता है, तो आप उसको या तो इंडोर किसी बरांडे वगैरह में अच्छे और ले आए तो अच्छा, इंडोर भी ये लग जाता है अगर आप इंडोर लगाना चाहें तो कोई अच्छी तेज मतलब बढ़िया सी रोशनी आती है ऐसी किसी विंडो के पास इसको रख ले तो ये अच्छा ग्रो कर जाता है इंडोर भी विंटर्स में, विंटर्स में ये बाहर ज़्यादा टिकता नहीं है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कि प्लांट आपका ज़्यादा दिन तक चलता रहे, हरा भरा सुंदर रहे, तो उसके लिए क्या करना होता है इसको पिंचिंग करते रहना चाहिए ऐसे। देखिए अभी भी आपको दिख रहा होगा ये मैंने काटे हुए हैं, ये देखिए यहाँ से काटा हुआ है, यहाँ से काटा हुआ है, इसको ऐसे देखिए ऐसे ऐसे करके ऊपर से ऐसे इसकी डंडियाँ लेते जाएं आप ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर से आप इसको, और इसकी क्या होता है आप इसको काटते रहें तो अच्छा है और फूल मत बनने दें इसमें, ऐसे लंबा भी ऐसे बड़े बड़े भी आप ऐसे काटते जाएं, इसको आप ऐसे ऐसे काटते जाएं, क्योंकि इसकी क्या होती है जो पुरानी पत्तियां होती हैं उनमें इतनी खुशबू नहीं होती है, इसकी नई पत्तियों में खुशबू ज़्यादा होती है, तो हम जितना इसको ऐसे काटते रहेंगे उतनी इसमें नई पत्तियाँ आती जाएंगी, तो इसको आप ऐसे ऐसे साथ के साथ ऐसे काटते रहें, पानी इसको रोज दें आप और बस मिट्टी अच्छी वेलड्रेन होनी चाहिए कि पानी आप दें तो उसके बाद मिट्टी मॉइस्ट है। देखिए मेरे इसकी मिट्टी जो है वो मॉइस्ट है, देखिए ऐसी मॉइस्ट रहनी चाहिए मिट्टी और ज़्यादा सौगी भी नहीं हो और सूखनी नहीं चाहिए, सूखेगी तो ये आपका मर जाएगा। और रोशनी देखिए इसको ब्राइट लाइट में रखें आप और ज़्यादा ज़्यादा सुबह की धूप इसको मिल जाए, सुबह की एक दो घंटे की हल्की सी जो धूप होती है वो इसको मिल जाए या फिर शाम की थोड़ी सी हल्की सी धूप में मिल जाए, या फिर जैसे मैंने तो अभी ग्रीन नेट में रखा हुआ है यहाँ पे इनडायरेक्ट अच्छी ब्राइट लाइट आती है उसमें हो और बस इसको मॉइस्चर सा अच्छा लगता है। इसलिए देखिए मैंने इसको अपने इस गमले को ऐसे एक और दूसरे गमले के ऊपर रखा हुआ है, ये एक एक्स्ट्रा गमला मेरा बचा हुआ है सर्दियों का तो इसमें मैंने उसको रखा हुआ है, देखिए आपको मार्क भी दिख रहे हैं ऐसे रखने के, इसमें रखा हुआ है ताकि जब पानी देती हूँ ये मिट्टी भी मॉइस्ट हो जाती है तो इसको मॉइस्चर ज़्यादा देर तक रहता है पौधे को तो ये पौधा जो है फिर अच्छा चलता है। तो फिर ऐसे मॉइस्चर इसको मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आपका बहुत ठंडे इलाकों में आप रहते हैं फिर तो आप इसको फुल सन में लगा सकते हैं क्योंकि उस वहाँ पे गर्मियों में भी धूप तेज नहीं होती है जहाँ बहुत ठंडे इलाके हैं, और गर्म इलाकों में फिर वही है इसको थोड़ा सा ऐसी शेड वाली जहाँ लाइट आती हो और शेड और मॉइस्चर रहे जैसे एनवायरमेंट में वैसे में अच्छा रहता है। और कहते हैं इसको क्यारी में लगाओ तो किसी बर्तन में लगा के जैसे मैंने अभी कहा पॉट में लगा के लगा लें तो अच्छा रहता है। तो ये इसकी ग्रोइंग कंडीशंस मैंने बता दी, आप इस पर एक लेयर कंपोस्ट की ज़रूर डालें और उससे क्या है कि इसकी जड़ों को जो ठंडक चाहिए होती है वो उस कंपोस्ट की लेयर से वर्मी कंपोस्ट की लेयर एक डाल दें तो वो ठंडक मिलती रहेगी और वो इसके लिए लाइफ लाइन का काम करती है। और दूसरा जब ये इस मौसम में जैसे उग गया क्योंकि इसकी जड़ें बड़ी उगती हैं पॉट में आप लगाएं तो फैलती हैं तो क्या होता है कि जब आप ये उग गया और इसका मौसम चला गया विंटर्स आने लगते हैं तो एक बार सितंबर
अगस्त सितंबर में इसको अच्छी तरह से बाहर निकाल के पौधे को इसकी जड़ों की छटाई करके इसको दोबारा लगा देना चाहिए ओवर विंटर करने के लिए। किसी शेड मतलब शेड वगैरह में कोई कवर्ड एरिया हो ना वहाँ पे इसको रख देंगे। उससे पहले जड़ें इसकी अच्छी तरह ट्रिम कर लेनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बढ़ने के बाद क्या होता है कि इसकी जड़ें जो है वो यहाँ से निकलने लग जाती हैं। अभी तो नया ही है, मैंने तो अभी थोड़े एक महीना हुआ है लगाए हुए, तो जड़ें यहाँ से निकलने लग जाएंगी तो वो इस होल को चोक कर देती हैं। चोक करने से पानी रुकेगा, फिर आपका पौधा गल के मर जाएगा। सर्दी में वैसे भी इसको टेम्परेचर पसंद नहीं है, तो आप इसको ऐसे लगाएं, पिंचिंग करते रहें और आप अच्छा सा पुदीना जो है वो एंजॉय करें इन गर्मियों में। और कटिंग पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, और चलिए लास्ट में आपको ये दिखा दूं। अभी मैंने एक पता नहीं 4-5 दिन पहले एक वीडियो डाली थी येलो कनेर को कैसे लगाना है, उसके बीज लगाने बताए थे, तो देखिए अभी उसके प्लांट्स निकल आए हैं। ये सीज़न अच्छा है, इसमें जल्दी निकल आए। मैंने बारिश के मौसम में लगाए थे तो वो देर से निकला था, तो इसका मतलब इसको और ओवरनाइट सोक करके लगाए थे, इसलिए ये इस बार जल्दी निकल आए हैं। देखिए ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।